क्या हुआ? नवादा जिले के हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र के नौवा बागी मोहल्ले में बंद पड़े सिनेमा हॉल का छज्जा गिरने से मजदूर की मौत हो गई। घटना संध्या 5 बजे की बताई जाती है। सूचना के आलोक में पहुंची पुलिस ने मलबा हटाने का काम आरंभ कर दिया है। बताया जाता है कि बंद पड़े सविता चित्रा सिनेमा हॉल मालिक ने इसे किसी के हाथ बिक्री कर दी है। उक्त बंद पड़े हॉल को तोड़ने का काम पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। तोड़ने का ठेका नवादा के किसी व्यक्ति ने ले रखा है और संध्या 5 बजे के करीब तोड़े जा रहे भवन का मलबा भरभरा कर गिर गया, जिससे काम कर रहे एक मजदूर मलबा में दब गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंचकर जेसीबी के सहारे मलबा हटवाकर शव को कब्जे में लेकर शव की पहचान में जुट गई है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार सिनेमा हॉल किसी अज्ञात मजार पर जबरन बनाए जाने के कारण कभी सफल नहीं हो सका। अब जब उसे तोड़ा जा रहा है तब अचानक मजदूर की मौत को लेकर लोग उसी नज़र से देख रहे हैं। वहीं पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई है।